वसुंधरा सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं घर पे अपनी हेयर को कैसे कलर करती हूँ। सो या मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट वीडियो में जाऊंगी। तो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो दिस टाइम मैंने गार्नियर का कलर यूज किया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स क्रीम रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर, नो एमोनिया, 100% ग्रे कवरेज, सिल्की शाइनी हेयर और मेरा शेड है 5.32 तापसी कैरमल ब्राउन। इस साइड पे दिया हुआ है कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स और नीचे आई थिंक ये कलर ग्रेड टाइप का कुछ है। इस साइड पे है हाउ टू यूज एंड अगेन नीचे ब्लैक बॉक्स में है MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड आई थिंक प्रोडक्ट नंबर टाइप का कुछ है आगे। लास्टली इस साइड पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ओके, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे है कलरेंट एंड दिस वन इज डेवलपर एंड यहाँ पे अगेन एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है। मैंने इससे पहले बहुत बार कलर किया हुआ है तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो देन प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लेना। ओके, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दो कंडीशनर का सैशे दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सो अब हम ग्लव्स पहन लेंगे एंड हम अपने बालों पर कलर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कलरेंट एंड डेवलपर कितना यूज़ करना चाहिए। वैसे ये डिपेंड करता है आप आपके हेयर का कितना पोर्शन कलर कर रहे हो एंड आप कितना कलर चाहते हो इसके ऊपर। अगर आप नेचुरल सा बहुत ही लाइट एक कलर चाहते हो देन इसको हाफ यूज़ करना एक बार पे, एंड अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहते हो देन इसको पूरा आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने पहली बार हाफ कलर यूज़ किया था तो इसलिए मुझे उतना अच्छा कलर नहीं आया, बहुत ही नेचुरल सा कलर आया था। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन बाकी का जो बचा पार्ट था उसको भी अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया है एंड अपने हेयर को बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लिया था, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आप आपके बालों को जब कलर करोगे तब छोटे छोटे सेक्शन को लेकर बालों को अच्छी तरीके से कलर से कोट कर देना। मैंने पहली बार थोड़ा गलती कर दिया था, मैंने बहुत सारा अमाउंट लिया था एंड अपने बहुत सारे बालों पे लगा लिया था तो इसलिए मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिखने को मिला था। बाय द वे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है। मतलब बाकी सारे जो कलर्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा स्मेल आता है कि लगाने के वक्त बहुत प्रॉब्लम होता है, बट इसका जो स्मेल है बहुत ही माइल्ड एक स्मेल है जो मुझे बहुत पसंद आया।
यू वोंट बिलीव कि यहाँ पे मैंने एक 2 years पुराना एल्यूमिनियम फॉइल लिया है। आई डोंट नो ये कैसे बच गया, मुझे पता भी नहीं था, सडनली मुझे एक दिन मिल गया था, तो इसे ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। today's video. I really hope you found something useful in this. अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ऑफ कोर्स कमेंट कर देना। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाई।